हेलो व्यूवर्स, अनाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड ऑरेंज पील हेयर मास्क। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये ऑरेंज पील हेयर मास्क हमारे बालों को काला, घना, लंबा और खूबसूरत बनाता है और हमारे बालों के वॉल्यूम को इनक्रीज करता है। हमने इस हेयर मास्क में कर्ड भी यूज़ किया है, इसीलिए अगर हमारे सर में डैंड्रफ या कोई इचिंग की प्रॉब्लम हो तो वो भी इससे दूर हो जाती है ना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज पील, यानी 1 फ्रेश ऑरेंज पील, योगर्ट 2 टीस्पून, मस्टर्ड ऑयल 1 टीस्पून, रोज वाटर आधा कप, बस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये एक फ्रेश ऑरेंज लेंगे और इसे पील ऑफ करेंगे, है ना। ये हमने पील ऑफ कर लिया है और ये हमारा संतरे का छिलका तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला वाइट वाला पार्ट इसका यहाँ से रिमूव करना है और फिर इसे रोज़ वाटर के साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसका पेस्ट बनाना है ना। ये हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और हमारा ये पेस्ट बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है ना। ये देखिए कितना अच्छा और स्मूथ सा इसका ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें ये 2 टीस्पून हमें ये ऑरेंज पील लेना है और उसके बाद हमें ये 1 एग इसके अंदर डाल देना है और ये मस्टर्ड ऑयल लेना है हमें। ये हम पूरा 1 फुल टीस्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम ये इसमें 2 टीस्पून कर्ड लेंगे, यानी दही, और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल जाए, है ना। ये देखिए, चलिए अब हम इसका स्किन टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा हेयर मास्क बनकर तैयार हो गया है ना। हमें ये अपने बालों पर 10 से 15 मिनट तक लगाना है और फिर उसे रिंस ऑफ करना है, यानी उसे किसी भी पानी से, चाहे लुकवॉर्म वाटर हो या ठंडा पानी हो, हमें उससे हमारा सर हेयर वॉश कर लेना है ना। तो आप भी अपना होममेड ऑरेंज पील हेयर मास्क घर पर बनाइए और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए, है ना। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। थैंक यू।